एक लड़की सोचती ससुराल में जाऊंगी, पति के पास शांति मिलेगी। जब ससुराल आती तो देखती है पति के पास तो भयंकर अशांति है, इतना टेंशन में है वो तो बात ही नहीं करता है। फिर सोचती सासू का लाड़ प्यार मिलेगा, तो सासू को देखती है तो सासू तो सुपर्णखा है, पूरा खतरनाक, वहाँ भी शांति नहीं है। फिर सोचती है बाल बच्चे दो चार हो जाएंगे, सुरेश महेश रवेश, तो वो शांति देंगे, वो इतने नालायक पैदा हुए, मेघनाद कुंभकर्ण पड़े सोते, शांति नष्ट कर दी। वहाँ शांति कहाँ पैदा हो सकती है। फिर सोचते बिजनेस कर लूँ, धन कमा लूँ, करोड़पति हो जाऊँ, पत्नी के पति बन गए तो भी शांति नहीं, लखपति हो गए शांति नहीं, करोड़पति बने तो भी शांति नहीं, राष्ट्रपति बने तो भी शांति नहीं। अभी राष्ट्रपति के साथ मेरा कार्यक्रम था तो राष्ट्रपति का भी मुंह देखा मैंने, तो भी मुंह बिदोर रहा था। उसे तो हमने कहा अरे राष्ट्रपति हो बन गए, अब किसके पति बनना चाहते हो, अब कहाँ शांति, फिर शांति नहीं। उसको भी शांति नहीं, शांति कहाँ है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरण, शांति का रास्ता बता रहा हूं। नास्त बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो लोग शांति चाहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का प्रसंग है, वहां से समझा रहा हूं आपको, ऐसे में अपने पर्सनल सूत्र भी बताऊंगा। नास्ति बुद्धि युक्तस्य, जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि तो है पर बुद्धि में विवेक नहीं है। विवेक कैसे कहते हैं, विवेक किसे कहते हैं और बुद्धि किसे कहते हैं। जैसे भोजन तुम परोस रहे हो किसी को, या तुम खा रहे हो, सपोज परोसने वाला परोस रहा, बुद्धिमान है, लाया परोसने के लिए, तुम्हारी थाली में दाल इतना ऊंचे से डाल दिया कि तुम्हारी पेंट सब छीप गई, तो बुद्धि तो है परोसने की पर विवेक नहीं है कि कितनी सावधानी रखना चाहिए, इसका नाम विवेक है। तुमने कह दिया कि पंखा चलाओ, तब ये नहीं देख रहा कि ठंडी लग रही कि गर्मी, चालू कर दिया बस, अब ठंडी लगे तो लगे तो चालू कर दिया उसने। विवेक जब होता है बुद्धि में तो व्यक्ति काम करने से पहले विचार करता है, कर्म करने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जैसे लोग चोरी करते हैं, चोर बहुत बुद्धिमान होता है, साधारण बुद्धिमान नहीं, चुट्टा चुट्टा लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, अन्यथा दूसरे का सामान उनको पता भी नहीं कहाँ रखा कैसे रखा, एक मिनट में निकालते हैं उसको, गायब करते हैं, और फिर वे तुम्हारे साथ में सामान ढूंढवाते भी हैं, कहते चलो ढूंढो मिलेगा जरूर, और खुद चोरी करके रख आए हैं, इतने खतरनाक होशियार है। लेकिन उसकी बुद्धि में विवेक नहीं है, क्योंकि चोरी किया है, चोरी तो किया है 10,000 रुपये की, पर अंदर उसके भय लगा है, असमंजस है, टेंशन है, घबराहट है कि कहीं चोरी खुल ना जाए, कहीं पकड़ ना जाऊं। ये 10,000 रुपये के लिए उसने अपने अंदर की शांति को खोया, अंदर के आनंद को खोया, और अगर चोरी कहीं पकड़ी गई तो सम्मान भी खोया और विश्वास भी खोया। 10,00,000 दे करके भी विश्वास को नहीं जीता जा सकता है, उस व्यक्ति ने 10,000 के लिए अपने विश्वास को खो दिया। लेकिन चोरों के समझ में आता नहीं, 100 रुपये में भी गिर जाते हैं लोग, 50 रुपये में गिर जाते हैं लोग, लेकिन विवेकवान व्यक्ति के लिए दूसरे का सोना मिट्टी के समान होता है, लालच नहीं आता है। जब लंकापति रावण का वध राम ने किया, विभीषण को राजतिलक कर दिया, विभीषण ने कहा कि प्रभु लंका में चरण रख दीजिए, लंका में दर्शन दे दीजिए, लंका देख लीजिए,
राम ने कहा, विभीषण लंका देखने का समय नहीं है, मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, अयोध्या वापस जाना है, सोने की लंका देखने की भी इच्छा नहीं, लेने की तो बात छोड़ो, देखने की भी इच्छा नहीं है। जो व्यक्ति सोने की लंका में भी देखना नहीं चाहता है, इतना बड़ा त्याग है जो रावण को मार सकता है, तो विभीषण को भी मार सकता है और लक्ष्मण का राज तिलक कर सकता, लंकापति बना सकता है, लेकिन राम लंका लेना तो अलग है, देखने भी नहीं गए और रावण को मारकर विभीषण को राज तिलक करके वापस अपनी अयोध्या को आ जाते हैं। जिसके अंदर त्याग होता है वही राम कहा जाता है, वही भगवान बनता है। आपके अंदर भी त्याग होना चाहिए, कभी परोपकार के लिए भी त्याग कीजिए, कभी दूसरों की सेवा के लिए भी त्याग कीजिए। भाई भाई का बंटवारा हो रहा हो, दोनों भाइयों को चाहिए कि अपने भाई को ज्यादा मिले, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। भाई के साथ बेईमानी ना आए। मैंने सुना है किसी गांव में दो भाई बहुत प्रेम से रहते थे, दोनों में बंटवारा होने का समय आया। जब बंटवारा होने लगा तो बड़ा भाई रोने लगा, छोटा भाई भी रोने लगा। छोटे भाई ने कहा, बंटवारा मत करो, साथ में ही रहने दो। बड़े भाई ने कहा, रो लीजिए लेकिन बंटवारा कर लीजिए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हम तुम दोनों समझदार हैं, दोनों के दो दो बच्चे हैं, आगे विवाद हो सकता है, इसलिए हमारे आपके सामने ही दो पार्ट हो जाना चाहिए। दोनों रो रहे हैं, दोनों बंटवारा कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हो रहे हैं, दोनों का दिल गवारा नहीं कर रहा है। तो बड़े भाई ने दो हिस्से कर दिए कि जो इच्छा हो तुम छोटे हो पहले ले लो। तो छोटे भाई ने कहा कि नहीं, आप 3 हिस्सा करो इसके। बोले तीसरा हिस्सा कौन लेगा, दो ही भाई है, माँ बाप तो परलोक चले गए। तो छोटे भाई ने कहा कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था बड़े भाई, उसके बाद 5 बहनें पैदा हुई और 5 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ, मैं पैदा नहीं हुआ उसके पहले से आप मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो, आपकी पूरी जवानी ज्वाइंट फैमिली में निकल गई, आपके कमाने का वक्त सब ज्वाइंट में चला गया, अब आपका शरीर बूढ़ा हो चला है और मेरा शरीर अब जवान है, मैं जो कमाऊंगा वो अकेले मेरे पास आएगा, तुमने जो कमाया है वो 5 बहनों का विवाह भी उसमें हुआ, मेरा भी विवाह हुआ और मेरे हिस्से में भी वो प्रॉपर्टी आ गई, अब तुम्हारा कमाने लायक शरीर नहीं रह गया बड़े भाई, और मेरा शरीर कमाने लायक है, मैं अलग हो जाऊंगा तो आपको तो दूंगा नहीं मैं कमा कर, इसलिए 3 हिस्सा करो, 2 हिस्सा आपको मिलना चाहिए, 1 हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, मैं शेष जवानी में कमा लूंगा तो फिर बराबर कर दूंगा। ये है भाई भाई का प्रेम। कमिश्नर यल वेंकटेश्वर लू, उन्होंने मुझसे बताया कि मेरे 3 बहनें हैं, भाई कोई नहीं, गरीब घर का बालक था, IAS परीक्षा क्रॉस करके कलेक्टर हुआ और अब मैं कमिश्नर हूँ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश का बनाया गया, मोदी जी ने मेरा नाम चुना है, लेकिन मैंने 3 बहनों को अपनी जमीन के 3 पार्ट करके दे दिया, बहनें गरीब थी, मैं तो कलेक्टर रैंक में हूँ और मैंने 1 बीघा जमीन नहीं ली, घर जो था वो चाचा लोगों को दे दिया, घर भी नहीं रखा, तो मैंने कहा रहोगे कहाँ फिर बुढ़ापे में, बोले बुढ़ापे में साधु बन जाऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, कहीं नहीं रहूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, त्याग करने वाले लोगों के लिए संसार में कमी नहीं रहती है, लालच करने वालों के लिए संसार में कभी पूर्णता नहीं होती है, मैं निवेदन करूंगा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिजूल में तुम्हारी आदत बनकर तुम्हें दुख देती हैं,
जैसे बीड़ी पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, भांग अफीम खाने की आदत, शराब पीने की आदत, ये सभी आदतें आपके जीवन को कुमार्ग की ओर ले जाती हैं, आपका पैसा भी बर्बाद करती हैं, स्वास्थ्य भी बर्बाद करती हैं। हमारे मुंशी जी बता रहे थे कि इस एरिया में माना हुआ पियक्कड़ में था, गुरुदेव आपकी कृपा हुई, दारू छूट गई, जिंदगी बन गई, 5 साल पहले नौकरी छूट गई वो भी मिल गई, आप मिल गए तो नौकरी मिल गई, आप मिल गए तो दारू छूट गई, आप मिल गए तो बुराई छूट गई, आप मिल गए तो जिंदगी बन गई, ऐसा मुंशी जी खड़े हो ये बता रहे थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुंशी जी जैसे इसमें बहुत बैठे हैं, मुंशी जी बैठो, मुंशी जी चुपके चुपके पी लेते हैं, कुछ लोग तो कभी कभी पी लेते हैं, कुछ लोग तो फ्री मिल जाए तब पी लेते हैं, फ्री मिल जाती तो पी लेते, लोग कहते हैं हम खरीद कर नहीं पीते, लेकिन कोई पिला दे तो मना भी नहीं करता, कमाल है। अरे खरीद कर जहर नहीं खाते हो, लेकिन कोई अगर अपने पैसे से खरीद कर आपको खिला दे तो क्या खा लोगे? जहर खाने से भी ज्यादा खतरनाक है दारू पीना फ्री में, क्योंकि 7 दिन फ्री में दारू पियोगे, 8वें दिन जब फ्री में नहीं मिलेगी तो याद रखना अपनी जेब का पैसा खर्च करके भी पीना शुरू कर दोगे। इसलिए फ्री में पीने वाली शराब आपकी जिंदगी को भी एक दिन करती है खराब, वो भी करती है बर्बाद, इसलिए बोतल में मत जाइए। इन आदतों को छोड़िए, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बहुत सी आदतें इंसान में रहती हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाने की आदत, गुस्सा करने की आदत, अधिक सोने की आदत, कोई जगाने जाए तो उससे नाराज होने की आदत, ज़्यादा जगाए कोई तो लात मारने की आदत, आंखें लाल पीली दिखाने की आदत, आज जगाया तो जगाया दोबारा मत जगाना नहीं कुंभकर्ण की तरह खा जाऊंगा, ऐसा धमकाने की आदत, गंदगी फैलाने की आदत, इधर उधर कागज फाड़ फोड़ कर फेंकने की आदत, सामान को ना संभालने की आदत, घर में चिल्लाने की आदत, गाली बकने की आदत, कितने लोग मादर फादर की गाली देते, किसी का नाम नहीं लेते, मादर की गाली देते तो उससे पूछो अपनी मादर को दे रहे हो कि दूसरी मादर को, तो बोलते हैं बीच में दे रहा हूँ, जो समझे उसको दे रहा हूँ। गालियाँ बकने से तुम्हारी वाणी की कीमत गिरती है, तेरी वाणी में अमृत भरा है वो जमाने में मिलता नहीं है, क्यों गाली बकते हो? ये केवल तुम्हारी आदत है, इससे कुछ सुधार होने वाला नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है वो जमाने में मिलता नहीं है, गाइए। तेरी वाणी में अमृत भरा है वो जमाने है, तेरी नजरों में जादू भरा है वो जमाने में मिलता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये क्रोध प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदा होता है, जब तुम्हारे मन को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो अंदर क्रोध का जन्म होता है, लेकिन एक क्षण का क्रोध तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ सकता है, तुम्हारे भाग्य को डिस्टर्ब कर सकता है। विदुर नीति में लिखा है संनियच्छति यह क्रोधः बेगम उत्थितम हर्षयो सहस्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मोहयति।
विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो मनुष्य अपने भीतर उठे हुए क्रोध के वेग को, तूफान को और हर्ष के क्षणों में अपनी खुशियों को नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है, खुशियों को पचाना भी सरल नहीं। तुम्हें कोई खुशी हो तो 10 लोगों से बताओगे जरूर, लेकिन तुमको ये पता नहीं ये खुशी बताने से उन लोगों को खुशी हो रही कि ईर्ष्या हो रही, तुम ये भी नहीं सोच पा रहे। तुम्हारी खुशी की सूचना बहुत लोगों के अंदर ईर्ष्या की आग भी बनती है। तुम्हारी खुशी में वही खुश होते हैं जो तुमको अपना मानते हैं, जो थोड़ा सा दिल में भेद रखते हैं वे तुम्हारी खुशियों में जल भुनकर राख हो जाते हैं। तुम अपनी खुशियों का भी प्रचार प्रसार मत करो, चुप रहो, गुप्त रहो। जो अपनी खुशियों को भी हजम करना जानता है और जो क्रोध को सहन करना जानता है, विदुर जी कहते हैं राजन, वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है, वो बहुत बड़े राज पद पर पहुंचता है जो अपनी खुशियों को अंदर रखता है। ज्यादा खुशियां मनाओगे, ज्यादा रुतबा दिखाओगे, बहुत से लोग तुम पर बाधा डाल देंगे। गांव में तुम्हारा विकास होने लग जाए तो तुम कहते हो गांव के लोग हमसे जलने लग गए उन्नति देखकर। अब ये जलने लग गए हैं, क्यों जलने लग गए हैं? क्योंकि तुम उन्नति कर रहे हो इसलिए जलने लग गए, इसलिए नहीं जल रहे हैं। वो इसलिए जल रहे हैं कि तुम उन्नति कर रहे हो लेकिन उनको क्या फायदा हो रहा है, इसलिए जल रहे हैं। अगर तुम्हारी उन्नति से उनको भी थोड़ा फायदा होने लग जाए तो वे तुम्हारा गुणगान करने लग जाएंगे, वे जलने नहीं लगेंगे, वे आपको रोज रोज मिलने लगेंगे, सहारा देने लगेंगे। इसलिए उन्नति करो तो 10% हिस्सा अपनी विकास का गांव वालों की सेवा में खर्च करना चाहिए, 10% रिश्तेदारों में भी खर्च करना चाहिए, अन्यथा आपके रिश्तेदार भी आपकी निंदा करने लग जाएंगे, कोई ना कोई बात फैलाना शुरू कर देंगे। फालतू लोग बोलने लग जाएंगे, अरे धनवान होंगे तो अपने को होंगे, हमसे क्या लेना देना, कोई हमको दे थोड़े देंगे। तो उनसे पूछो ये तुम क्यों बक रहे हो, बोले बक क्या रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो कौन हमसे पूछ रहा है, बोले पूछे ना पूछे बता देता। लोगों के अंदर दुख हो जाता है, इसलिए 100% तुम्हारी कमाई तुम्हारी नहीं है, उसमें कई लोगों का हिस्सा है। अपनी कमाई का 10% हिस्सा जिस गांव में तुम्हारा घर है उस गांव वालों पर खर्च कीजिए, तो गांव के लोग कभी तुम्हारी उन्नति में बाधा नहीं डालेंगे, हमेशा तुम्हारे सहायक बनकर रहेंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए 10वां अंश उनको दीजिए, अन्यथा 10वां और 13 ही तुम्हारी सब कर देंगे। और 10% अपने रिश्तेदारों को भी दीजिए और 10% हिस्सा धर्म कर्म में भी खर्च कीजिए, अन्यथा जब धन बढ़ता है तो बुद्धि बिगड़ती है, दारू पीना शुरू करोगे, जुआ खेलना शुरू करोगे। इसलिए विवेक कीजिए, राजनीति में भी आगे बढ़ने लग जाओ तो धर्म कर्म में पैसा 10% खर्च करो, कहीं मंदिर बनाने में दान करो, कहीं सत्संग खुद कराओ, कहीं सत्संग कोई करा रहा उसमें भी कुछ दान दो, कहीं किसी कन्या का विवाह उसमें भी दान दो, कहीं आश्रम बन रहा है उसमें दान दो, गौशाला चल रही उसमें दान दो। 10% धर्म कर्म में खर्च कीजिए, उससे सद्बुद्धि बनी रहेगी, बुद्धि बिगड़ेगी नहीं, सतमार्ग पर चलते रहोगे। रावण एक पैसा दान नहीं देता था, ना आश्रम बनाता था, ना मंदिर बनाता था, ना रावण सत्संग समागम कराता था, तो आखिर हुआ क्या, पूरा घर दारू पीता था और सब एक से एक खुराफाती लोग घर में थे, और रिजल्ट क्या आया, 1 लख पोत सवाव लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। इसलिए धर्म कर्म में भी पैसा खर्च करना चाहिए। फिर 10% पैसा उन लोगों पर भी खर्च कीजिए जो राजनीति करते हैं, उन पर भी 10% खर्चा कीजिए।
क्योंकि कभी कभी तुम्हारे कार्यों में बाधा पड़ेगी तो कोई राजनेता ही आपको मदद करेगा। अगर उन पर तुमने खर्च नहीं किया है तो भी जब तुम विषम परिस्थिति में फंसोगे, मदद नहीं करेंगे तो तुम्हारा पूरा कारोबार भी ठप हो सकता है। इसलिए 10% राजनेताओं पर भी खर्च करना चाहिए। अब 40% खर्च हो गया, अब 10% बचा वो अपनी फैमिली पर खर्च कर दिया करो और 50% अपने विकास में आगे फिर लगा दिया करो। इतना अगर पैसे का बंटवारा करना आता है तो आपकी उन्नति में कोई बाधा नहीं आएगी, निरंतर विकास करते हुए चले जाओगे, कोई अड़चन आने का सवाल नहीं है। लेकिन 10% हिस्सा आपको बांटना पड़ेगा, पूरा अपने पास रख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, विवेक करना है। 10% हिस्सा होता है। भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को कंट्रोल करो, सहनशीलता को बढ़ाओ, गम खाना सीखो। गम खाने वाले लोग महान बनते हैं और दूर वालों की गम खाना आसान होता है, अपने घर वालों की गम खाना बहुत कठिन होता है। याद रखना, तुम गांव की स्त्रियों की गम खा लेते हो लेकिन अपनी पत्नी की गम नहीं खा पाते हो। गांव की स्त्रियों के साथ तुम बैठकर हंस भी लेते हो लेकिन अपनी वाइफ के साथ तुम हंसना 3 साल के बाद बंद कर देते हो। उसके साथ हंसो। जो अपनी वाइफ के साथ बैठकर हंसता है, जो अपनी वाइफ की गम खा लेता है, जो अपने पति की बात को सह लेती है स्त्री, और जो नारी अपने पति को हर परिस्थिति में सम्मान देती है, ऐसे पति पत्नी जिस घर में रहते हैं उस घर में शांति भी रहती है, संपत्ति भी रहती है, उन्नति भी रहती है और उस घर का सम्मान कभी खराब नहीं होता है। याद रखना, आपस में सहना सीखो तो जिंदगी में सुख की नदियां बहने लग जाएंगी। आपस में गम खाना सीखो। आपने मधुमक्खियों को देखा होगा, उनको कभी आपस में लड़ते हुए नहीं देखा होगा। मधुमक्खियां और मक्खियों को आपस में लड़ते भी देखा होगा आपने। मक्खियाँ जो होती हैं आपस में गुत्थम गुत्थी कर देती है, कटम कटवर कर देती है, लेकिन मधुमक्खी आपस में कभी लड़ती नहीं। और मधुमक्खी आपस में बहुत प्रेम से रहती है, मिलजुल कर परिश्रम करती है, कोई आलस्य नहीं करती है और अपनी अपनी ड्यूटी करती है। मधुमक्खियों में सैनिक मधुमक्खी होती है, जो मधुमक्खी के छत्ते को छोड़कर नहीं जाती हैं, वहीं सुरक्षा गार्ड का काम करती है। और मधुमक्खियों में कुछ श्रमिक मधुमक्खी होती हैं जो दूर से फूलों का रस लाती है। और मधुमक्खियों में एक रानी मधुमक्खी होती है जो छत्ते के अंदर रहती है, अंडे देने का काम करती है, अपनी अपनी ड्यूटी सब कर लेती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, कोई डिग्री तो नहीं है, लेकिन मन बड़ा प्रेम से रहता है। इसलिए मधुमक्खियों का जूठा सभी लोग खा लेते हैं, सभी लोग खा लेते हैं। माँ बाप का जूठा खाने में तुम्हारा मन थोड़ा सोचने लग जाता है, पति का जूठा खाने में स्त्री भी सोचती खाऊं कि ना खाऊं, लेकिन मधुमक्खी का जूठा पति पत्नी माँ बाप साधु संत और भगवान के भोग प्रसाद में भी मधुमक्खियों का जूठा शहद मधु डाल दिया जाता है। मधुमक्खियों का जूठा भगवान भी भोग लगा लेता है, साधु भी भोग लगा लेता है, लेकिन क्यों? क्योंकि मधुमक्खियों के आपस में जो प्रेम है, जो उनकी श्रमशीलता है, जो कर्तव्य निष्ठा है, जो उनका नियम है। मक्खी और मधुमक्खी में अंतर ये होता है, मक्खी भोजन पर भी बैठ जाएगी, थोड़ी देर बाद विष्ठा पर बैठ जाएगी, थोड़ी देर बाद गंदगी पर बैठ जाएगी, फिर उड़ के तुम्हारी नाक पर बैठ जाएगी, तो तुम नाक पर उसे कहाँ बैठने देते, तो भगा देते हो। थोड़ी देर बाद उड़ करके तुम्हारे कमरे में रजाई पर बैठ जाएगी, लेकिन मधुमक्खी सोच समझ कर बैठती है, वो गंदगी पर विष्ठा पर कभी नहीं बैठती है। बैठती है तो फूल पर बैठती है, अपने छत्ते में बैठती है,
वो गंदगी से अपने आप को दूर रखती है। याद रखना, जिनकी जिंदगी में कोई गंदगी नहीं है उनका जूठा खाने के लिए सब तैयार रहते हैं, और जिनकी जिंदगी का कोई नियम ही नहीं है उनको कोई बैठने नहीं देना चाहता, वो मक्खी के समान। तो मधुमक्खी बनो, सारग्राही बनो। मधुमक्खियों को हाथी भी डरता है, मधुमक्खियों को बंदूकधारी भी डरता है। अभी यहाँ पर 1000 मधुमक्खी आ जाए, हम आप इतने बैठे हैं सबको भागना पड़ेगा। फिर तुम ये भी परवाह नहीं करोगे गुरुजी भागेंगे कैसे, तुम भाग जाओ। तुम कहोगे गुरुजी को काटेगी तो कोई फर्क भी नहीं है, उनके कौन रोने धोने वाला, जयराम जी की हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, तुम गुरुजी को भी बचाओगे। परंतु ऐसा भी नहीं कि मधुमक्खियाँ यहाँ आएंगी, वो भी समझदार यहाँ नहीं आएंगी, चिंता मत करो। यदि इच्छा हो तो बुला भी दूंगा, आ भी जाएंगे। बहुत प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। परलोक की पूंजी कमाते चलो, परलोक की पूंजी कमाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सद्गुरु भगवान जय। संत कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं जीवन में प्रेम का बड़ा महत्व है। महल में सुख नहीं है, झोपड़ी में दुख नहीं है। महंगी साड़ी में सुख नहीं है, सस्ती साड़ी में दुख नहीं है। जहाँ प्रेम है आपस में वहाँ सुख रहता है, जहाँ आपस में नफरत है वहीं दुख रहता है। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को अब क्या चाहिए? बूढ़े माँ बाप की आस रहती है कि बेटे बहू का मुझे प्रेम मिले, बस इतना काफी है। सब जवानी देख लिया, जिंदगी देख लिया, दुनिया देख लिया, बुढ़ापे में प्रेम से जीने की इच्छा है। एक बहू किसी घर में आती है, वो भी क्या चाहती है? मेरी सासू का मुझे प्रेम मिल जाए, मेरा ससुर मुझे प्रेम की दृष्टि से देखे, और मेरी ननद मुझसे प्रेम से बोल दे, मेरा पति प्रेम से बातें कर ले, बस इतना उसको मिल जाए तो दिन भर बहू काम करती रहती है। और याद रखना, जिस बहू को प्रेम नहीं मिलता ससुराल में, वो रोज अपने माँ बाप को मोबाइल लगाती रहती है। जब टाइम पाती है सुबह शाम दोपहर, मम्मी में पापा पे, अपना दुख बताती रहती है और सुनाती रहती है। और जिस लाड़ी की माँ समझदार है वो समझाती है कि बेटी बार बार फोन ना करो, जैसी परिस्थिति है उसमें तालमेल बिठाओ। यदि बुद्धिमान बहू है
तो अपने ससुराल की परिस्थितियों को सुधार कर अनुकूल बनाती है, शिकायत नहीं करती है। अधिक शिकायत करने से मन खिन्न होता है, अधिक बुराई देखने से मन में गुस्सा आती है, और बार बार माँ बाप को फोन करने से तुम्हारे माँ बाप भी चिंता में डूब जाते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास में किसी बेटी का जीवन नहीं चल सकता है, उसको पति का सहारा चाहिए। और याद रखना, तालमेल बिठाने की जिसमें कला है वो कांटों में भी फूलों जैसा गुजारा कर लेता है, और जिसमें अपने को एडजस्ट करने की कला नहीं है वो फूलों को भी कुचलकर गंदगी बनाकर उसमें भी रोता रहता है। अपने को सेट करना सीखो,